सब्सक्राइब करें स्ट्राइक एंड पॉकेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए कैरम लर्निंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ये स्ट्रोक की, इसका नाम है भिंगरी स्ट्रोक। इसको बेसिकली बोल सकते हो कॉइन को रोल करके वो कॉइन को मारना, इसको मैंने ही अपना नाम दिया है भिंगरी स्ट्रोक, मैं इसको बोलता हूँ। तो ये कॉइन को किस तरह मारना है, इसकी क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, डिफेंस कैसे कर सकते हो, अटैक कैसे कर सकते हो, बॉम्ब कैसे बना सकते हो, और एकदम प्रीमियम कंटेंट है, एक्सक्लूसिव कंटेंट है, और शायद ही आपको किसी ने ऐसा बताया होगा। और मैं आपको बताऊँ, ये कॉइन देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं, ऐसी दिखती है ना तो बहुत लोग डर जाते हैं, अब इसको पॉकेट कैसे करूँ। लेकिन इसको, इसके लिए अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए मारने के लिए, तो इसमें दो ही चीज़ें काम में आती है। नंबर वन कि उसकी प्रैक्टिस से पहले उसकी टेक्निक क्या है, कैसे आखिर मारा जाता है, वो क्लैरिटी जैसे आती है, क्लैरिटी इज़ पावर बोलते हैं ना, जैसे क्लैरिटी आती है, पता होता है कि इस तरह मारना है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप दुगना हो जाता है, दुगना नहीं चार गुना बढ़ जाता है मैं तो बोल रहा हूँ। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, प्रैक्टिस अगर उसके साथ में हो ही जाए उस चीज़ की, तो फिर उसमें चार चांद लग जाते हैं। और ऐसे में कभी भी किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे किसी भी मोमेंट पे आने दो भाई, हम तो तैयार है इसको मारने के लिए। और ऐसे में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे इस कॉइन को मारते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ क्या है सब बताऊंगा। एक वीडियो के नीचे एक स्लैम में ये स्ट्रोक का इस्तेमाल किया था, तो एक वीडियो के नीचे कमेंट में लिखा था हमारे किसी भाई ने, एक ने, कि आप ये स्ट्रोक के ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ, तो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल वीडियो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल देखने मज़ा आएगा, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इस पोजीशन में मुझे ब्लैक का टर्न खेलना है, ये मेरी ब्लैक है, ये मेरी ब्लैक है, और ये मेरे अपोनेंट की, और लेकिन मेरे हाथ में टर्न है। तो ये पोजीशन में मैं क्या करूँगा, इसको ये वाइट को रोल करूँगा, ये यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे आएगी, और मेरा जो स्ट्राइकर है उससे ये ब्लैक पॉकेट हो जाएगी, फिर मैं इसको निकाल के ले सकता हूँ या पॉकेट करने का चांस कोशिश कर सकता हूँ। तो इसको रोल करने के लिए मुझे क्या करना है, इस कॉइन को यहाँ पे मारना है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मारना है, ताकि ये इसके पहले ही लगे, ये फ्रेम में लगे ये कॉइन। दूसरी चीज़, मुझे इसको मारने के साथ दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो इसको घुमा के हाथ पे लेना, ये ठीक है, लेकिन जब मैं ये कॉइन को लग रहा है मेरा स्ट्राइकर, तो जब ये कॉइन यहाँ पे लगेगा तो कॉइन ये यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे आएगी, लेकिन ये स्ट्राइकर का डायरेक्शन वो चेंज होके कॉइन पे जाना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं, तो इसमें प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्राइकर का बहुत रोल है। प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्राइकर समझ जाओ कि अब यहाँ से मारूंगा तो नहीं जाएगा, घूमेगी नहीं कॉइन, तो मुझे अगर मैं यहाँ से मारूंगा एकदम ज़्यादा, तो ये कॉइन मेरा स्ट्राइकर यहीं पे कहीं पे लगेगा, अगर मैं कॉइन को यहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट जजमेंट लेना पड़ेगा और यहाँ से कॉइन को मारना पड़ेगा यहाँ से, तो बराबर घूम के वो हाथ पे भी आएगी और ब्लैक पॉकेट में भी जाएगी इस तरह से। और फिर अभी ये क्या करेंगे हम लोग, ये निकाल के ले लो या डबल मारने जाओ, मोस्ट ज़्यादातर आप एकदम प्यार से इसको ऐसे डबल टच मारने जाओ और मेक श्योर कि निकल जाए, यहाँ तक भी ला के रख दिया आपने तो आपका काम हो गया, निकलना चाहिए। और उसके बाद में फिर ये कॉइन जो है, ये कॉइन आपको कभी भी आने दो, आप बहुत ईजीली मार सकते हो इसको, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी कॉइन है, बस आपको टेक्निक मैंने बता दिया। देखो, अब मैंने इसको बॉल पे से मारना पड़ा, क्यों बॉल पे से क्यों मारना पड़ा, यहाँ से नहीं मारना है, बॉल से अब ये कॉइन को भी बॉल से मारना पड़ेगा। देखो, तो ये हमें समझना पड़ता है कि कौन सी कॉइन को कहाँ से मारूंगा, तो डिफ्लेक्शन स्ट्राइकर प्लेसमेंट का जजमेंट है। अब ये कॉइन है तो इसको भी बॉल पे से ही मारना पड़ेगा, इसको यहाँ से भी मार सकते हैं, ये चीज़ का जजमेंट आपको लाना पड़ेगा कि कहाँ पे स्ट्राइकर प्लेस करके कॉइन जाएगी। देखो, इसको बॉल पे से मारना है, ये कॉइन ऐसे लग के यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रहेगी तो डायरेक्ट नहीं ला सकते आप, क्योंकि ये नज़दीक लगेगी, तो यहाँ पे लग के यहाँ पे आएगी। देखो एक और बार इस तरह से,
अब लेट्स से कि ये यहाँ ये इसके अंदर रहेगी ना नॉर्मली इसके अंदर, तभी ये डिफेंस होने के चांसेस है। तभी अगर समझो यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है ये, और ये कॉइन यहाँ पे रहती है, तो इसको मोस्ट ऑफ द केस में नहीं मारेंगे तो चलेगा। देखते हैं अभी, देखो ये यहीं पे आएगी कॉइन, आपकी डिफेंस नहीं होती है ये कॉइन, ये कॉइन डिफेंस नहीं होती है, बहुत कम बार होगी या आपको एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरीली करना पड़ेगा, यहीं पे आएगी। तो ऐसे केस में कब ये खेलना है, जब समझो अब ये कॉइन है, ये कॉइन है, ये कॉइन और ये कॉइन है, समझो ऐसे ऐसे है, तभी खेलो, तभी खेलो, फिर ये कॉइन आपको मारने के लिए रहेगी इस तरह से। लेकिन अगर समझो ऐसा पोजीशन है और आपको आपको फिर ये अगर डिफेंस करना है तो इसको इस तरह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस तरह डिफेंस करना है। लेकिन यहाँ पे पोजीशन रहेगी तो आपको नॉर्मली ऐसे ही डिफेंस करना है, ये इस तरह से, इस तरह से करो। चाहे यहाँ पे रहेगी तो पूरा घुमा के लाओ, यहाँ पे रहेगी नज़दीक रहेगी तो सिंगल डिफेंस भी, सिंगल भी कर सकते हो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी वो कॉइन पॉकेट होनी ही चाहिए, वो कॉइन कितनी भी बार हम लोग मारे वो हर बार जानी चाहिए, वो कॉइन जाना हमारे लिए सबसे पहला प्राइमरी रोल है, ये भले डिफेंस हो ना हो क्योंकि हमारे हाथ में टर्न रहना ही चाहिए। और एक बार 10 बार मार के देखते हैं अभी, 10 बार देखो ये कॉइन अगर नहीं, हमें डिफेंस नहीं होती है नॉर्मली, समझ जाओ कि ज़्यादा बाहर की रहेगी, ज़्यादा बाहर की रहेगी तो ये कम कम चांसेस है डिफेंस होने के। यहीं पे आती है नॉर्मली, तो अभी हमें क्या करना है, ये कॉइन यहाँ पे रहेगी तभी इसको इस तरह से मार के लेना है, और ये आएगी ही आएगी हाथ पे, 100% आएगी आएगी। देखो ये इसको सर्कल पे से लेना है, 100% आएगी आएगी। यहाँ पे भी रहने दो, ये यहाँ पे है, हाथ पे आना ही आना है उसको, यहाँ पे नज़दीक रहेगी इस तरह से तो 4 बार घूम के आएगी, 4 चार बार घूम के आएगी। ये और एडवांस लेवल है, अब ये समझो हमारी क्वीन है और ये कॉइन है, तो अब ये कॉइन से आप यहाँ तक के ये कॉइन को लेके बम बना सकते हो, ये कॉइन को रिलीज़ कर सकते हो। ये क्वीन है, ये ब्लैक से मैं ये पोजीशन ओपन करूँगा। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये यहाँ पे लगने चाहिए, यहाँ पे लग के इस पे आनी चाहिए तभी होगा, नहीं तो हम लोग अगर नज़दीक मारेंगे तो ये गैप में से आ जाएगी, दूर मारेंगे तो यहाँ से भी निकल के आएगी। तो ये भी जजमेंट लेना है कि ये कॉइन को यहाँ तक लाना है तो इसको सही से मारना होगा। देखो इमेजिन करते ये कॉइन यहाँ पे है और ये कॉइन हमारी दोनों ये कॉइन है और ये थोड़ी बाहर है, बाहर है, तो इसको नॉर्मली ऐसे भी डिफेंस कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर ऐसे मारेंगे इस तरह से, वो भी निकल सकती है, ये देखो ये भी आप रिलीज कर सकते हो इस कॉइन से, हो गया रिलीज। ये थोड़ा सा सेकंड पॉकेट मारना पड़ेगा, इस तरह अज्यूम करो ये डिफेंस नहीं भी हुई, देखो नहीं भी निकली तो भी क्या होगा, ऐसे पीछे ही आएगी इसके, और इसका एडवांटेज आप ले ही सकते हो। अगर ऐसा पोजीशन आया तो इसमें तो आप अगले वीडियो में आपको ये कॉइन का ट्यूटोरियल देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें अगर बताया तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा।
तो वेट करना अगले वीडियो का। अगले वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इससे भी ज़्यादा। और ऐसे में ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक के बटन को दबा के जाना, कमेंट में अपनी राय बता के जाना। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कैरम रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड, कीप प्लेइंग एंड कीप लविंग कैरम। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।